बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फायदेमंद होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जो इसका पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि द टोपोलॉजी स्टडीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिमेन अनचेंज अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। देखें कि जो टॉपोलॉजी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है जो कि अनचेंज रहते हैं अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। और देखें कि कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होती क्या है कि जैसे कि स्ट्रेच करना किस चीज को, ठीक है, ट्विस्ट करना, क्रिम्पलिंग एंड बेंडिंग। देखिये अगर हम किसी भी शेप को, फॉर एग्जाम्पल ये शेप ए है तो इसको हमने क्या किया है कि वी शेप में चेंज किया है, लेकिन अगर इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अगर वो सेम टू सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती अंडर डिफॉर्मेशन, तो हम इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, टोपोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। ठीक है, जो टोपोलॉजी होती है वो क्या करती है, कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट दैट आर प्रिजर्व, जो कि प्रिजर्व रहते हैं अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। कि अगर हम चीज को स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें, क्रिम्पलिंग करें या बेंडिंग करें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज नहीं होती। बट ये है कि नॉट टेयरिंग, कि हम उस चीज को टेयर ना करें। ठीक है, अगर हम चीज को टेयर कर देंगे तो वो क्या चीज, वो अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख पाएगी, तो ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या है कि अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, प्रिजर्व रहती हैं, तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, टोपोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं। इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज नॉट कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। हमने पीछे जो एमसीक्यूज में देखा कि स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये सारी की सारी क्या थी, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर देखे कि जो टेयर है, टेयरिंग, ये कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन, अब ये जो डी है ये हमारे पास एक मीट्रिक है। ठीक है, और ये फंक्शन होता है एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ठीक है, इसमें एक्स एनी कोई सेट होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्डर पेयर लेते हैं, क्योंकि डी हमारे पास एक मीट्रिक है, इसको हम नाम देते हैं, डिस्टेंस फंक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है, और ये ऑर्डर पेयर, अब हमने क्या किया कि एक्स को एक्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया करेंगे हमें क्या मिलेंगे, ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, और इसकी जो इमेज होगी वो रियल नंबर पर होगी। ठीक है, रियल लाइन पर होगी, इसको हम क्या नाम देते हैं, मीट्रिक। नो डिस्टेंस फंक्शन भी नाम देते हैं इसको, मीट्रिक स्पेस भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा, यानी मीट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन। जो डी है इसको हम मीट्रिक भी कहते हैं और डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। और मीट्रिक स्पेस कब कहेंगे, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स का विद मीट्रिक, तो हम इसको क्या नाम देंगे, मीट्रिक स्पेस का नाम देंगे। ठीक है, जो मीट्रिक स्पेस होती है वो क्या होती है कि अगर हम कोई सेट एक्स लेते हैं उस पर मीट्रिक डिफाइन करते हैं, अगर वो मीट्रिक स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, ठीक है, चार एक्सियम्स होती हैं, अगर वो इनको सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास क्या होता है, एक मैट्रिक्स स्पेस बन जाती है। ठीक है, इससे नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि विच वन इज इनकरेक्ट फॉर अ डिस्टेंस फंक्शन डी। ठीक है, तो हमने बाय डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस, क्या मैट्रिक्स स्पेस एम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स वी विद अ डिस्टेंस फंक्शन, ठीक है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर कोई सेट एम, उसको नाम देते हैं कि वो मैट्रिक्स स्पेस है, अगर उसमें कोई डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तब हम उस सेट एम को विद डिस्टेंस फंक्शन क्या नाम देंगे, मीट्रिक स्पेस का नाम देंगे। ठीक है, इसमें पहली प्रॉपर्टी ये क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल यू वी बिलोंग टू वी। अगर यू वी बिलोंग टू वी कर रहे हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी इज इक्वल टू जीरो इफ यू इज इक्वल टू, अगर यू और वी आपस में सेम हो जाती हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो रहेगा। इस तरह डी ऑफ यू वी इज इक्वल टू डी ऑफ वी यू, ये क्या थी, एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी कि अगर हम पॉइंट्स को
क्या कर लेते हैं यदि बदल देते हैं तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। अगर वी को यू बना दें और यू को वी बना दें यानी पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास जो है डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि डी ऑफ यू वी प्लस डी ऑफ वी डब्ल्यू ग्रेटर देन क्या होगा डी ऑफ यू डब्ल्यू। ठीक है, ये एक ट्राइंगल इक्वलिटी थी। हमने देखा कि अगर कोई हमारे पास ये एक ट्राइंगल हो तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये ए मान लें, ये बी मान लें और ये सी, अगर हम ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अगर हम ए सी और डिस्टेंस बिटवीन बी सी को एडअप करें तो हमेशा ये क्या होगा ए बी सी ग्रेटर होगा। तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी। तो अब यहाँ पर एमसीक्यू में यह है कि विच वन इज इनकरेक्ट फॉर अ डिस्टेंस फंक्शन बी। तो बी के लिए हमने देखा कि पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, तीसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो फोर वाली है हमने कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन, देखिए अब ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमेशा क्या होगा ए सी और बी सी से हमेशा वो क्या होगा ग्रेटर होगा। ठीक है, देखिए डी ऑफ एक्स वाई बिटवीन प्लस डी ऑफ वाई जेड ये लेस नहीं हो सकता एक्स जेड से। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर ही होगा, इसलिए ये जो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है वो है हमारे पास डी। इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि फॉर अ मैट्रिक्स डी ऑन अ नॉन सेट एक्स द मैट्रिक्स स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स डी। ठीक है, ये हमने प्रीवियस एमसीक्यू में देखा कि हमने मैट्रिक्स स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सेट एक्स हो उस पर हमने कोई डी फंक्शन क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, डी फंक्शन क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं और वो क्या करता है कि मैट्रिक्स स्पेस की चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो हम इस ऑर्डर पेयर को क्या नाम देते हैं मैट्रिक्स स्पेस का नाम देते हैं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर वो क्या होगा ये ए ऑप्शन होगा। इससे नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि द स्पेस आर एन विद डी इज कॉल्ड इंक्लूडियन। ठीक, एन इंक्लूडियन ठीक है स्पेस को नाम देते हैं। और देखें कि जो आर एन है आर एन एन इसमें हमारे पास वेरिकल है। ठीक है, अगर हम आर वन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होंगे सिंगल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आर टू की बात करते हैं तो इसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे। ठीक है, अगर हम आर थ्री की बात करते हैं इसमें ट्रिपल। ठीक है, इसमें यानी हमारे पास क्या होंगे तीन पॉइंट का एक सेट होगा, इसमें तीन पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अगर हम आर फोर की बात करते हैं उसमें ठीक है फोर ट्रिपल होगा। इस तरह अगर हम आर एन की बात करते हैं इसमें क्या होगा इसको विद डी इसको हम क्या नाम देंगे एन डायमेंशनल इक्लूडियन स्पेस का नाम देंगे। और फिजिकली जो एन डायमेंशनल इक्लूडियन स्पेस होती है द स्पेस ऑफ पॉइंट्स आर वेक्टर्स वेयर ईच पॉइंट आर वेक्टर इज आइडेंटिफाइड बाय एन रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो हर एक पॉइंट को हम क्या करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं विद एन रियल नंबर से आफ्टर वी फिक्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन फिजिकल स्पेस। अगर हम कोई भी एक पॉइंट को फिक्स अप कर लें। ठीक है, अगर हम वैसे की बात करते थे 2D की 3D की, अगर कोई पॉइंट 3D में पड़ा हो, ठीक है ये पॉइंट कोई 3D में पड़ा है तो उसको अगर हमने लोकेट करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए थे कोऑर्डिनेट चाहिए थे कि उसका x से कितना डिस्टेंस होगा, y से कितना डिस्टेंस होगा और z से कितना डिस्टेंस होगा। तो फिजिकली जो n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है वो क्या करती है कि स्पेस ऑफ पॉइंट्स या वेक्टर्स होती है। ठीक है, इसमें हम किसी भी पॉइंट को n रियल नंबर से क्या करते हैं लोकेट करते हैं